हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर में से इलस्ट्रेशन नंबर 14 के बारे में। यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेजर अकाउंट कैसे बनाएंगे एंड बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। बैलेंस शीट में क्या आएगा कि भाई हमारे पास जो कुछ भी लास्ट क्लोजिंग बैलेंस हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट की होगी WIP की, वो आएगी उसमें से। यदि हमारे पास रिजर्व है तो वो लेस करेंगे, कैश रिजर्व की अमाउंट है तो वो लेस करेंगे। इसके आगे हम लाइबिलिटीज साइड में क्या लिखेंगे, भाई शेयर कैपिटल है या फिर हमारे पास क्रेडिटर है, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन हम लाइबिलिटी साइड पुट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हम कैसे बनाएंगे कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर इलस्ट्रेशन नंबर 14। चलिए अब हम सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पे हमको जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसका डेट है 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर 2016 है। ओके, चलिए इसके आगे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हमको वर्क इन प्रोग्रेस की अमाउंट दी हुई है, ये लास्ट ईयर की है। हमको करंट ईयर का डेटा है 2016 का, ये है 2015 का। इसके आगे हमको कैश रिसीव, ये भी हमको बैलेंस दी हुई है कॉन्ट्रैक्ट के पास से, हमको कितनी कैश रिसीव हुई है। चलिए अब हम ड्यूरिंग द ईयर बात कर लेते कि भी यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। वेजेस है, ये सारी इन्फॉर्मेशन डेबिट करेंगे। ओके, वेजेस, मटेरियल ब्रोट, वर्किंग एक्सपेंसेस है, मटेरियल इश्यू फ्रॉम द स्टोर है। इसके आगे क्या लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 250 रुपीज़ आर चार्जेबल टू PNL अकाउंट। इसका मतलब कि हम यहाँ पे 250 रुपीज़ लेस करके अमाउंट लिखेंगे, वो आएगी अमाउंट 1000 रुपीज़। यहाँ पे हमारे पास 1250 रुपीज़ है, उसमें से हम 250 लेस कर देंगे। चलिए इसके आगे हमको प्लांट के डेबिट बैलेंस दी हुई है, ये भी हम सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड ही पुट करेंगे। चलिए अब हम क्रेडिट साइड क्या पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, ए क्रेडिट करेंगे। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, ए लिखा हुआ है, ये भी हम क्रेडिट करेंगे। वर्क सर्टिफाइड क्या मोड है, वो भी हम क्रेडिट ही करेंगे। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे हमको कहीं पे भी वर्क अनसर्टिफाइड की अमाउंट नहीं दी हुई है, आप अपने माइंड में रखना। चलिए इसके आगे क्या लिखा हुआ है कि अब हम प्रॉफिट की बात करें। चलिए जितनी अमाउंट हमको पुट के हमने बताई थी वो सारे अमाउंट हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में पुट कर दी है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है सारी इन्फॉर्मेशन जो है, वर्किंग प्रोग्रेस की हमने बताई थी, वेजेस, मटेरियल है, इसके आगे वर्किंग एक्सपेंसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड केवल 1000 रुपीज़ लिखा हुआ है। वर्क सर्टिफाइड के मटेरियल रिटर्न टू स्टोर एंड सप्लायर, ये दोनों चीज़ें हमने पुट कर दी है। प्लांट की इन्फॉर्मेशन भी पुट कर दी है। अब हम बात करेंगे PNL अकाउंट की इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे कहाँ से लिखी है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि भी प्रॉफिट टेकन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, इसकी अमाउंट है 11,500 रुपीज़। तो ये हमको दी हुई है क्वेश्चन में, हम डायरेक्टली पुट कर देंगे यहाँ पे डेबिट साइड हमको प्रॉफिट की अमाउंट। चलिए अब हमको बाकी क्या बचा है, अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंट। चलिए इसके आगे हमको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि कॉन्ट्रैक्ट फिनिश की अमाउंट दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट फिनिश की अमाउंट है 22,500 रुपीज़। तो ये इसकी एंट्री कैसे होंगे वो सबसे पहले मैं आपको बता दे रही हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे अब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई 22,500 रुपीज़ फॉर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। चलिए अब हमारे पास जो कुछ भी डेबिट साइड का टोटल है वो उसकी अमाउंट आई है 1,26,500 रुपीज़। उसमें से क्रेडिट साइड के बैलेंस ए चारों यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट है, मटेरियल रिटर्न, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, सप्लायर, कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट लेस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 88,000 रुपीज़ मिलेगा। ये हमारी क्या बन जाएगी अमाउंट फॉर वर्क अनसर्टिफाइड, ये बैलेंसिंग फिगर रहेगा। ओके, क्योंकि हमको क्वेश्चन में कहीं पर भी वर्क अनसर्टिफाइड की अमाउंट नहीं दी हुई थी, तो आप इस प्रकार से वर्क अनसर्टिफाइड की अमाउंट फाइंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमको क्वेश्चन में प्रॉफिट की अमाउंट दी हुई है इसलिए। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमने उसके अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन पुट की है। हमने सबसे पहले बताया था कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि वह कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट लास्ट डेट पे लिखा हुआ था
लास्ट ईयर के डेट पे 55,000 रुपीज़ यहाँ पे हमको दिया हुआ था। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन का फिगर। ओके चलिए, इसके आगे हमको कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में क्या लिखा हुआ है कि भाई हमको करंट ईयर में कुछ पेमेंट मिला है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट में लिखा हुआ है एडवांसेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांसेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी। ओके तो इसकी अमाउंट है 40,000 रुपीज़, तो ये भी हम पुट करेंगे यहाँ पे क्रेडिट साइड। चलिए, इसके आगे हमने एक लास्ट में एंट्री बताई थी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब हमने प्रिपेयर कर रहे थे तब, कि भी जब हमको कॉन्ट्रैक्ट फिनिश की अमाउंट दी हुई थी क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसकी एंट्री हमने कैसे की थी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ही अकाउंट डेबिट किया था एंड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट किया था। तो यहाँ पे वही इंफॉर्मेशन का फिगर है 22,500 रुपीज़। चलिए, अब हमने क्रेडिट साइड का टोटल कर लिया है 55,000 प्लस 40,000 95,000, उसमें से हमने डेबिट बैलेंस लेस कर दी है तो हमको कितना मिलेगा 72,500 रुपीज़। ये हमारा बन जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन का फिगर। ओके तो चलिए, ये बैलेंस कैरिड डाउन का फिगर हमको 22,500 रुपीज़ मिला है, वो हम कहाँ पे पुट करेंगे उसके बारे में अब हम बात करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। ओके तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई हमको, हमने आपको बताया था कि भाई हम एसेट साइड क्या पुट करेंगे, डब्ल्यू आई पी की बैलेंस। यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में फाइंड आउट किया था कि भाई हमको 1,03,000 हमारे पास डब्ल्यू आई पी की बैलेंस है, दोनों का हम टोटल करेंगे, वर्क सर्टिफाइड का एंड वर्क अनसर्टिफाइड का। ओके तो ये दोनों फिगर हमने यहाँ पे पुट कर दिए एंड इसमें से हमने लेस किया क्या, कैश रिजर्व। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई रिजर्व हमारे पास है नहीं, इसलिए वो हम लेस नहीं करेंगे, पर हमको कैश रिजर्व के अमाउंट जो कुछ भी मिले वो यहाँ से हम लेस करेंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में फाइंड आउट की थी वो है 72,500 रुपीज़, तो यही अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे कैश रिजर्व के तौर पे। ए डब्ल्यू आई पी में से हम कैश रिजर्व के अमाउंट लेस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 30,500 रुपीज़। तो यदि आपको इस प्रकार से हमने इलस्ट्रेशन नंबर 14 सॉल्व किया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।